गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 4 विच इज़ टेबल्स इन वर्ड 2010। ओके, इट मीन्स दैट एमएस वर्ड में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएट करना हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूंगी एमएस वर्ड 2010 है क्या। ओके, तो एमएस वर्ड 2010 इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, और लेटर्स टाइप करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, या फिर हम इसको सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि एमएस वर्ड 2010 एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक ओके, वर्ड प्रोसेसिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप इसमें वर्ड टाइप करते हैं और वर्ड पर आप उन जो लेटर्स आप जो टाइप करते हैं उसमें उन पे आप डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपने लेटर्स टाइप किए हैं और उन लेटर्स पे डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हैं, और मल्टीपल उसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको वर्ड प्रोसेसिंग बोला। ओके, तो एमएस वर्ड 2010 एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, अब हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो टेबल्स क्या होती हैं। ओके, जो टेबल्स होती हैं वो किसके लिए यूज़ की जाती हैं, डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नेम है यहाँ पर, क्लास है यहाँ पर, मार्क्स दिए हैं यहाँ पर, ग्रेड दिए हैं, तो आपको प्रॉपरली हर चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड डाटा है। ओके, उसकी क्लास भी मेंशन है। ओके, और आप देख सकते हैं जो एक टेबल होती है, ओके, उसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं इस टाइप से, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो होती हैं आपकी रोज़, एंड जो वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं आपके कॉलम्स, आप देख सकते हैं इसमें। और हम सेल किसको बोलते हैं, समझ लीजिए जो सेल होता है, जो सेल होती है वो एक इंटरसेक्शन, सेल इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो ब्लॉक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिएटिंग टेबल्स। ओके, अब हम देखेंगे कि एम एस वर्ड 2010 में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग मेथड्स होती हैं, हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो मेथड है उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। ओके, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आएगा। ओके, टेबल के ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपको ये देखें, इस टाइप से आपको रोज़ और कॉलम्स मिल जाएंगे। आपको जितनी रोज़ और जितने कॉलम्स की यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है, आप यहाँ से माउस की हेल्प से उसको ड्रैग करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट वे। ओके, सेकेंड मेथड में आप कैसे क्रिएट करेंगे, फर्स्टली आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल पे क्लिक करना है। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आएगा इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़। ओके, तो आप जितनी रोज़ और जितने कॉलम की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर ये नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में उतनी रोज़ और उतने कॉलम्स की जो टेबल होगी वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये थी आपकी सेकंड मेथड। देन एंटरिंग वैल्यूज़ इन द टेबल। अब जैसे हमको टेबल्स में वैल्यूज़ एंटर करनी है तो हम कैसे करेंगे एंटर, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको माउस से जिस भी सेल में आपको डाटा एंटर करना है, जिस भी सेल में आपको कुछ एंट्री आपकी करना है, तो आपको जस्ट सिंपली उस सेल में जाके आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे माउस का कर्सर इस टाइप से ब्लिंक होने लगता है। ओके, उसी सेल के अंदर आप डायरेक्टली वहाँ पर आप अपना जो भी कुछ टाइप करना चाहते हैं डाटा वो टाइप कर सकते हैं। ओके, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स। अब हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 रोज़ और 4 कॉलम्स की मैंने एक टेबल बनाई। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कॉलम की और ज़रूरत है और एक रो की ज़रूरत है, अब वो मैं कैसे ऐड करूँगा, तो उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जिस जहाँ पर भी, जैसे मुझे इस वाली कॉलम के
साइड में एक दूसरा कॉलम चाहिए ये वाला। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर आपका लेआउट टैब जो रहेगी, ओके, उस पर क्लिक करूँगा। लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, ओके, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। यदि मैंने इंसर्ट लेफ्ट चूज़ किया तो यहाँ पर मेरा न्यू कॉलम ऐड होगा यहाँ पर, ओके। यदि मैंने इंसर्ट राइट चूज़ किया तो मेरा जो कॉलम होगा इसके राइट में इंसर्ट होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इसको इंसर्ट कराना चाहते हैं, ओके। और आपको इंसर्ट कर देना, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से न्यू कॉलम आपका ऐड हो जाएगा, ओके। देन अब हम देखेंगे इंसर्टिंग अ न्यू रो। अब हमको न्यू रो इंसर्ट करना है, ओके। तो प्रोसेस विल बी सेम, ओके। आपको जिस भी सेल के ऊपर या नीचे आपको न्यू रो ऐड करना है, उस पहले उस सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, उस पूरी रो को आपको इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ माउस, ओके। माउस की हेल्प से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लेआउट टैब पे जाना है, ओके। लेआउट टैब पे जाने के बाद देखिए प्रोसेस सेम है दोनों की, ओके। लेआउट टैब पे आपको क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। जैसे ही आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो आपने जो रो सेलेक्ट की थी जस्ट उसके ऊपर एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। यदि आपने इंसर्ट बिलो चूज़ किया है तो जो आपने रो सेलेक्ट की थी उसके जस्ट नीचे एक न्यू रो ऐड हो जाएगी, ओके। नाउ सेलेक्टिंग सेल्स, ओके। अब हम देखें कि हम सेल्स को एमएस वर्ड में सेल्स को हम किस टाइप से सेलेक्ट करते हैं, ओके। जैसे मुझे एक सिंगल सेल सेलेक्ट करनी है, ओके। जैसे मुझे ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है सिंगल सेल अकेले, तो जस्ट उसके अंदर मैं माउस का उस पर माउस का पॉइंटर ले जाके मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ट्रिपल तीन बार क्लिक करूँगा, ये जो पर्टिकुलर एक सेल है, ओके, ओनली वन सेल, ओके, ये वाली सेल जिसमें संगीता मेंशन है, ओके, वो वाली सेल अकेले मेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। गेटिंग नाउ सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स इन अ रो। अब जैसे मुझे सेल्स की सभी सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स इन अ रो, एक रो में सभी सेल्स को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली मैं माउस के पॉइंटर को रो हेडर पे ले जाऊँगा। यहाँ पर रो हेडर होता है, ओके, या फिर मैं इसके जस्ट सामने यहाँ पर माउस के पॉइंटर को रखूँगा, ओके, और माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा। जैसे मैं माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा, ये पूरी की पूरी जो रो रहेगी मेरी सिलेक्ट हो जाएगी, ओके। इस टाइप से आप एक रो में सभी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स इन अ कॉलम। एक कॉलम में सभी सेल्स को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोसेस विल बी सेम जैसा रोज में आपने किया था, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। आपको यहाँ पर माउस के पॉइंटर को ले जाना है, आपके माउस का जो पॉइंटर रहेगा इस एरो शेप का हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ भी दिया ये, ओके, इस टाइप का। जैसे ही शेप का हो जाएगा कॉलम के ऊपर, ओके, कॉलम के ऊपर आपको माउस के पॉइंटर को यहाँ पर ले जाना है और माउस का पॉइंटर इस तरीके का हो जाएगा। जैसे इस तरीके का हो आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे आपको इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कॉलम जो रहेगा इस टाइप से पूरा का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। फिर आप उसको कॉपी पेस्ट जो कुछ करना है आप सब कर सकते हैं, ओके। नाउ डिलीटिंग रोज और कॉलम्स। अब हम जैसे हमने कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो टेबल क्रिएट की है उसमें कुछ एक्स्ट्रा रोज और कॉलम्स हमारे ऐड हो गए, अब हम चाहते हैं कि उनको डिलीट कर दें, तो कैसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस भी रो को आपको डिलीट करना है पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके सामने यहाँ पर माउस के पॉइंटर को रख के उसको क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट टैब पे जाना है। लेआउट टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा। डिलीट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर डिलीट रोज करके एक ऑप्शन आएगा। आप देखें यहाँ पर रो डिलीट कर रहे हैं तो इसलिए डिलीट रो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिलीट रो पे क्लिक करेंगे आपकी जो रो रहेगी वो डिलीट हो जाएगी, ओके। और इसी टाइप से कॉलम पे, जैसे कि आपको कॉलम को डिलीट करना है तो आपके आपको माउस पॉइंटर कहाँ पर रहेगा,
आपका माउस पॉइंटर आप यहाँ लाएंगे, यहाँ पर लाके एरो बनेगा, तो उस एरो से आप जैसे ही एरो बनेगा लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है माउस की। उसके बाद लेआउट टैब पे जाना है, लेआउट टैब पे जाने के बाद डिलीट पे जाना है, डिलीट पे जाने के बाद यहाँ पर डिलीट कॉलम आएगा क्योंकि आप कॉलम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये वाला जो कॉलम रहेगा पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस अबाउट द रिसाइजिंग रोज़ और कॉलम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो रोज़ और कॉलम्स की जो साइज़ होती है वो हम जो कुछ डाटा एंटर करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर नहीं होती है, इट मीन्स दैट थोड़ा कम साइज़ होती है, तो हम चाहें तो अपने रोज़ और कॉलम की साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। ओके तो जैसे कि मुझे कॉलम की विड्थ को चेंज करना है तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मुझे जैसे ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये वाला कॉलम, ओके इसको मैं थोड़ा और मैं इतना बड़ा करना चाहता हूँ। ओके तो मैं क्या करूँगा, माउस के पॉइंटर को यहाँ पर ले जाऊँगा। यहाँ पर ले जाते से ही आप देखें माउस का पॉइंटर का शेप यदि इस टाइप का हो गया तो आपको जस्ट माउस से ड्रैग कर देना है, पकड़ के उसको इस तरीके से आगे बढ़ा देना है, तो ये पूरा का पूरा जो आपका जो कॉलम रहेगा बढ़ जाएगा। ओके देन जैसे सेम प्रोसेस रहेगी आपकी रो की साइज़ को बढ़ाने में। ओके रो की साइज़ में भी आपको माउस के पॉइंटर को यहाँ पर ले जाना है, ओके यहाँ पर रखना है और उसका शेप किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, तो माउस से आप उसको नीचे खींच देना है तो उसकी जो रो की जो साइज़ रहेगी वो बढ़ जाएगी। ओके देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे मुझे इसकी साइज़ बढ़ाना, तो यहाँ पर आया मैं, ये देखिए एरो हो गया इस तरीके से। अब माउस को थोड़ा नीचे खींच देना है आपको, ओके बटन प्रेस की हुई है आपकी जो लेफ़्ट बटन रहेगी वो प्रेस रहेगी और आपको नीचे खींच देना है माउस को, तो ये आपकी जो रो की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी। नाउ मर्जिंग टेबल सेल्स। मर्जिंग टेबल सेल्स का मीन ये होता है कई सारी जो सेल्स होती हों उनको मिला करके एक बनाना और उसमें उस पूरी एक सेल में आपका जो भी कुछ कंटेंट राइट करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, वो आप टाइप कर सकते हैं। ओके तो आप जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा, यहाँ पर कई सारी सेल्स हैं, ओके और उसमें मेंशन है स्टूडेंट्स मार्क्स लिस्ट, ओके ये मेंशन है इसमें। अब आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक में आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर माउस के पॉइंटर को ला के आप इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट टैब पे जाएंगे। लेआउट टैब पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा मर्ज सेल्स। ओके जैसे आप मर्ज सेल पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे इस टाइप से आपकी जो देखें आप यहाँ पर डिफरेंस, ये यहाँ पर मल्टीपल सेल्स थी, यहाँ पर सिंगल सेल हो गई और यहाँ पर जो भी कुछ आपका स्टूडेंट्स मार्क लिस्ट मेंशन था वो एक ही आपका रो में राइट हो गया। तो इस टाइप से आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करना मीन्स मिला करके एक बनाना। ओके नाउ स्प्लिटिंग टेबल सेल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक सेल है उसमें आपको तीन ऑप्शन है या दो ऑप्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हिंदी के मार्क्स हैं, अब उसमें मुझे दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक रिटन का एक ओरल का, तो एक कॉलम को मैं कितने में डिवाइड करूँगा, दो पार्टीशन में डिवाइड करूँगा, तो इस टाइप की स्प्लिटिंग के लिए हम स्प्लिट टेबल सेल्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपको सेल को स्प्लिट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट टैब पे जाना है, ठीक है। लेआउट टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिया रहता है, आप देखें ये दिया है आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन। जैसे ही आप स्प्लिट सेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कितने कॉलम और कितने रोज़ में आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो देखें मुझे एक रो चाहिए है और कॉलम कितने चाहिए मुझे, 1 2 3 तीन कॉलम चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया 3 कॉलम एंड 1 रो और मुझे साइंस को वाली जो सेल थी उसको 3 कॉलम और 1 रो में डिवाइड करना था, तो मैंने ये कर दिया ओके बटन पे प्रेस करके। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। ओके नाउ वी विल बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।